हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी ठीक हूँ। ठीक क्या हूँ, देखिए मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। और फिलहाल अभी गेट का ही काम हुआ है, फर्श वाला काम अभी हो रहा है। तो रूम में फर्श हो गया है, अब घुटाई होनी है फर्श की। हाँ, तो फर्श जो का काम जो है रूम का वो फाइनल हो जाएगा। और अभी बहुत 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 किचकिच हो रही है भगवान, दांत में ना किरकिराहट होती है हर जगह, वो बालू रेता जहाँ भी चलो ना किर हो रहा दांत के नीचे ना, बड़ा अजीब। और ये देखिए अभी मुझे जा हस्बैंड जी के कपड़े धोने हैं अपने, क्योंकि उनको जाना है स्कूल। अभी जस्ट उन्होंने याद दिलाया कि मेरे कपड़े, मेरे को कपड़े तो मैं धोना ही भूल गई। अभी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर सुबह पड़ती मेरी कड़ाके वाली डांट। लेकिन पाया, थैंक गॉड उन्होंने खुद ही याद दिला दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, बाल मेरे कैसे वाइट वाइट से हो रहे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अब जब फाइनल हो जाएगा सारा काम, तभी मैं बालों को भी कवर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले मैं देखिए दादी क्या हाल हो रहा है, कपड़े धो लेती हूँ फटाक से, नहीं फिर मैं आप लोगों से जो भी होगा जैसे भी होगा शेयर करूँगी ब्लॉग में अपने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कितना गंदा हो रहा है, बाथरूम भी सब जगह ना रेता रेता और बदरपुर हो रहा है। चलिए सबसे पहले से सफाई कर लेते हैं। और अब ये देखिए कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं धोए थे, जो मेन मेन कपड़े थे हस्बैंड के मैंने वो धो के डाल दिए थे, जो जो ज़रूरी थे उनको स्कूल जाना था पहनकर। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना काम कैसे हुआ है। और यहाँ पर अभी वही शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है दोपहर है, लेकिन वही 3:30-4 बजे का टाइम था। और बेटा जो है मोरंग चाल रहा है, जो बदरपुर होती ना उसको झरने से चाल रहा है। और क्योंकि प्लास्टर में कोई भी, वो कहते ना बड़ा कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए उस टाइप से, बिल्कुल महीन मोरंग मांगते हैं मिस्त्री। तो इससे क्या है, जो भी रोड़ी बजड़ी जो होती है वो निकल जाती है। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम और कपड़े मेरे धुल गए हैं, बेटा जो है मोरंग जो बदरपुर होती ना उसको छान रहा है। और वो देखिए कपड़े धो के डाल दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने सबके लिए, 4 बज रहे हैं घड़ी में। और देखती हूँ देखिए क्या कर, गर्मी भी पड़ने लगी है बहुत तकड़ी वाली। और देखो मैं भी चाह रही, मेरी दीदी को कितनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, किचन में बैठी है फ्रेंड्स, ये क्या करें, वहाँ ना पूरा धूल धूल सी हो रही है ना। तो अभी फिलहाल ये किचन में आ गई, और किचन ठंडा है तो इस वजह से सारी मक्खियाँ भी यहीं में आकर बसेरा लेके बैठ गई हैं। क्या ही करें यार, वो होता है ना जब घर वगैरह बनता है तो ऐसे ही होता है। इससे पहले मैंने अपनी मम्मी को और पापा को ऐसा फेस करते हुए देखा है, और आज वही चीज़ मैं अपने ऊपर फील कर रही हूँ कि मतलब इतनी दिक्कतें उठानी पड़ती, तब जाके हमारा एक आसियाँ तैयार होता है। मतलब कहते हैं ना, जैसे एक तिनका इंसान इकट्ठा करके अपना एक जो है घर बनाता है, तो सही बात है। एक घर को बनाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसको तोड़ना तो बहुत आसान है, पर एक घर बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत के बाद वो घर बनता है। तो चलिए अभी जा रही हूँ बनाने सबके लिए चाय, और बर्तन भी पड़े हैं, तो मैं कहा चलो फटाफट से कर लेते हैं काम। आप देते रहो हम लोग, तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं फटाफट से अपना काम। यहाँ अभी हम दोनों माँ बेटे जो है कुटाई कर रहे हैं, मैं कहा चलो जब तक लेबर मिस्त्री आते ना तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, कूट देंगे तो कुछ काम हुआ रहेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए अभी फाइनली फर्श प्लास्टर के बाद आज मेरा ये दूसरा तीसरा दिन था जब मैं वीडियो बना रही थी, मैं कहा चलो वीडियो कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो अभी जो है पेंट वगैरह भी हो गया था रूम में, तो अभी जा रही हूँ नीचे सफाई वगैरह करने। तो मैं कहा चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसे मैंने इस घर की अपनी साफ़ सफ़ाई की है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो अभी मॉर्निंग टाइम है। तो और वो देखिए बेटा जो है लेकर आ रहा है चाय, और मैंने बनाई थी तो इसने कहा मैं लेके चलता हूँ, तो मैंने कहा चल ले आ। और देखिए चाय, देखिए कितनी कम कम चाय है, यानी गिलास भर भर के चाय लेकर आया है। चाय का तो ये बहुत ही बड़ा लवर है, ये मतलब बहुत पसंद है इसको चाय, चाय जितनी दो उतनी कम है इसके लिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पीने के लिए, अभी हम लोग चाय पी रहे थे, फ़ैन है तो मैं कहा फटाफट से चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद अभी साफ़ सफाई भी करनी है घर की, क्योंकि पता ही है ना कि जब मिस्त्री लगते हैं उसके काम के बाद ना कितनी भी सफाई कर लो फिर दो से चार दिन तो लग जाए, और पहले दिन की सफाई तो बहुत ज़्यादा ही ले लेती है टाइम। और ये देखिए अभी शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं, उसके लिए मैंने अपना फेस कवर कर लिया जिससे कि मुझे किसी भी टाइप की एलर्जी ना हो।
और फेस कवर करने से ना फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक तो हमारा फेस भी कवर हो जाता है, उसके अलावा हमें सेफ भी हो जाते हैं हम। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सफाई। और ये देखिए अस्त शस्त्र हमारे पड़े हुए, झाड़ू वगैरह सब कुछ, तो फटाफट से करते हैं सफाई। दीदी बैठी हुई, सारा सामान तख्त पे है क्योंकि चाय वगैरह आज उसी पे बनाई थी हम लोगों ने, कि किचन में भी सारा काम अभी हो ही रहा है, वहाँ पेंट का काम हो रहा है, तो हमने कहा चलो वहाँ हो रहा है तो यहाँ कमरा और बरामदा जो है वो साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं बाहर वाला एरिया जो है उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कमरे में मैंने कल ही सफाई कर दी थी थोड़ी बहुत जो थी, और आज मैं बरामदे की सफाई कर रही हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी है, और फेस कवर करने से ना ये थोड़ा सा बेनिफिट था कि धूल मिट्टी का जो है असर वो कम जा रहा था फ्रेंड्स। तो आप लोग जब भी घर की साफ सफाई करें, डीप क्लीनिंग करें, तो फेस कवर करके ही करें, ऐसे ना करें, इससे आप क्या है कि धूल मिट्टी से आप बचे रहेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ घर की साफ सफाई। और कितने लोग इस तरीके से साफ़ सफाई करते हैं फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट करके। और तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सफाई, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी नहा लिया है मैंने, और उधर झाड़ू पोछा लग गया है, और झाड़ू तो मतलब एक बार मैंने रात में ही साफ़ कर दिया था फर्श, लेकिन पूरी तरीके से नहीं साफ़ हुआ था, तो इस टाइम भी कर दिया है। दो तीन दिन तो लग जाएगा साफ़ होने में। तो अभी ये देखिए जा रही हूँ मशीन लगा दूँगी पर्दे धोने, सारे पर्दे बहुत गंदे हो गए हैं, मैं कहा चलिए फटाफट से लगा के मशीन पर्दे धो देती हूँ, क्योंकि काम देखिए सारा सामान अभी ऐसे ही फैला हुआ है। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी ना कि कोई भी चीज़ बिना धोए रखने लायक नहीं है। तो अभी मुझे एक एक करके सारी रजाई के कवर, गद्दों के कवर सब निकाल कर धोना है, फिर उसके बाद उसको मैं रख पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से लगा देती हूँ मशीन, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जो कपड़े थे वो मेरे धुल गए हैं, मतलब पर्दे वगैरह जो थे वो सारे मैंने धो दिए हैं, पर्दे चद्दर वो भी मतलब थोड़ा सा अंसे कपड़ों का, यहाँ भी बहुत सारा बाकी है। लेकिन देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई है, बहुत तेज़, तो देखिए बहुत, और कपड़े देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, सारे कपड़े उड़ जा रहे हैं। और जस्ट अभी कपड़े धोकर आ रही हूँ मैं, और हस्बैंड भी आ गए मेरे अभी स्कूल से, और खाना फटाफट से बन जाए क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो जाएगा। मिल जाएगा दीदी, अभी रुक जाओ, मिल जाएगा, जहाँ आराम से बैठ जाओ मिल जाएगा। दीदी का मेरे चश्मा खो गया, परेशान है कहाँ रख दिया है। तो वही, अरे रुक जाओ मैं देख रही हूँ अभी। तो अभी फटाफट से सोचा पहले खाना बना लेते हैं, दाल चावल वगैरह दीदी ने बना के रख दिया था, सब्जी काट के रख दी थी ना, मिर्च खत्म हो गई थी, नहीं तो शायद सब्जी भी छुप गई होती अभी तक तो। और बहुत हेल्प मिल रही है फ्रेंड्स दीदी के रहने से, वरना क्या होता ना अभी जैसे कपड़े खा धोकर आई ना, तो अभी आती तो खाना बनाती ये सब करती, तो शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, या फिर कपड़े मेरे पूरे ना धुल पाते अभी तक। तो ये फ़ायदा है मुझे, और इसीलिए मेरा मन नहीं करता दीदी जाए मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के इनका ना, देखो इनका रोज बस चले थे, रोज जाने के लिए तैयार रहती है। सही, मेरा बाबा है ना मामा, देखा सब लोग मुझे अपना अपना भला सोचते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मैं सबके बारे में सोचती हूँ पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, देखो सब लोग मुझे छोड़ के जाने की बात करते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अभी फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ और दे देते हैं हस्बैंड जी को खाना, फिर उसके बाद हम लोग भी खाएंगे, लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेन गेट का जो पर्दा है चटाई वाला ना, इसका जो कपड़ा लगा था बैक साइड में ये फट गया है, तो इसके लिए मैं चलिए पर्दा तैयार कर लेते हैं। ये दो साड़ियों को जोड़कर मैं ये पर्दा तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सिलाई करने के बाद ये पर्दा कैसे बनकर तैयार हुआ है, पूरा पर्दा मैं रेडी करके ही आप लोग को दिखाऊंगी अब, कि फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। तो ये देखिए अभी ये देखिए मैंने इसमें दूसरा कपड़ा साड़ियों को सिलकर लगा दिया है फ्रेंड्स, और अब इसकी आयु बढ़ गई है 2-3 साल की। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।